मेरे साथ हैं कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह, और जिस तरीके से कल कोर्ट के अंदर में ये तय हुआ कि विशाल सिंह ही सर्वे रिपोर्ट देंगे और जो इससे पहले दो कोर्ट कमिश्नर थे अजय प्रताप सिंह जो थे वो इनकी सहायता करेंगे, रिपोर्ट यही देंगे, और उससे पहले जो अजय मिस थे सबसे पहले कोर्ट कमिश्नर उनको हटा दिया गया था। जो एप्लीकेशन डाली गई थी उसमें भी जो आज में देखेंगे तो उसमें कहा गया था कि उन्होंने शुचिता का उल्लंघन किया, बहुत सारी बातें थी, वो अपने साथ वीडियोग्राफर भी ले गए थे। अब ये कहा जा रहा है कि अजय मिश्र जो पहले कोर्ट कमिश्नर रहे वो आहत हैं। विशाल जी, क्या मामला क्या हुआ कि जो पहले मैं बता दूं ये गलत है, उनको हटाया नहीं गया है, तो कमीशन की कार्रवाई पूरी हो गई, हम लोग को सिर्फ रिपोर्ट सबमिट करना है। 6 और 7 तारीख की रिपोर्ट वो सबमिट करेंगे, 14, 15, 16 की रिपोर्ट मैं सबमिट करूँगा, और हम दोनों लोग साथ में रह के एक साथ रिपोर्ट बना के अच्छे माहौल में अच्छे तरीके से बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष तरीके से ये कमीशन की कार्रवाई करेंगे। और मैं बता दूं मेरे द्वारा जो एप्लीकेशन दिया गया था बस स्थिति स्पष्ट करने के लिए दिया गया था कि क्या क्या हम लोग को करना है, स्थिति स्पष्ट कर दें, मैंने हटाने के लिए कोई नहीं किया था। हाँ, उस पर कुछ प्रतिवादी गण द्वारा उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाया गया तो माननीय न्यायालय ने उसको संज्ञान में लेते हुए, चूँकि कोई कैमरामैन वो उनकी गलती नहीं है, वो कैमरामैन जाके बाइट वगैरह देने लगे, क्या वस्तु स्थिति थी मौके की ये सब बताने लगे, तो एक कमीशन की कार्रवाई का निष्पक्षता पे प्रश्न चिन्ह उठता है, इसलिए माननीय न्यायालय ने उस पर कार्रवाई करते हुए 14, 15, 16 जो 3 दिन की कमीशन जो हुई थी मेरी निगरानी, 3 दिन की जो 14, 15, 16 की जो सर्वे वो रिपोर्ट मैं दूंगा और 6-7 की रिपोर्ट वो देंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो है नहीं, कोई ये परमानेंट नौकरी थोड़ी है कि हम लोग जिंदगी भर कोर्ट कमिश्नर रहेंगे। ये जो कहा गया और आपकी तरफ से भी कहा गया उसमें कि उन्होंने जो उचित सहयोग था उन दोनों की तरफ से भी, उसमें अजय प्रताप सिंह भी हैं और अजय मिश्रा भी हैं, उनकी तरफ से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला, उसकी वजह से दिक्कतें? नहीं, दिक्कतें नहीं हुई, सहयोग के लिए सिर्फ कहा गया था और स्थिति स्पष्ट करने के लिए दिया गया था। कहाँ आपको लगा कि सहयोग में कमी रही 3 दिन जो आप सर्वे में गए? जी, सर्वे पूरी तरह से ठीक हुआ, थोड़ी बहुत परेशानियां हुई हल्की फुल्की, लेकिन उतना चलता है, और हम लोगों ने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से पूरी कमीशन की कार्रवाई पूरी कर ली है, हम लोग एक साथ थे और एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे, जो कन्फ्यूजन है वो हम लोग ख़त्म कर देंगे, गलत फहमी है उसको समझा बुझा के, वो मेरे छोटे भाई हैं, समझा बुझा के वो सब ठीक कर लिया जाएगा। आपने खुद ही कल बताया था कि उससे पहले बीती रात को आप तीनों लोग, मतलब आप भी बैठे थे, अजय सिंह, अजय प्रताप जी भी बैठे थे और अजय मिश्र भी बैठे थे, फिर ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि आज ये चीज़ें सार्वजनिक होने लगी हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ है? नहीं नहीं, गड़बड़ की बात नहीं है, स्थिति एकदम स्पष्ट है। इस 6 और 7 तारीख की रिपोर्ट वह दाखिल करेंगे, 14, 15, 16 की रिपोर्ट मैं दाखिल करूंगा, वो कोर्ट कमिश्नर बतौर कोर्ट कमिश्नर ही दाखिल करेंगे। वह 14, 15, 16 की जो कार्रवाई है निष्पक्षता पे प्रश्न चिन्ह उठे, प्रतिवादी गण द्वारा कुछ आरोप लगाए गए कि कैमरामैन वगैरह उनकी, उसमें कोई गलती नहीं थी। कैमरामैन आखिर कैसे उस टीम में चला जाएगा? अरे तो अब प्राइवेट कैमरामैन है, अब जाके कोई बाइट कर दे या कोई चीज़ कर दे तो उसमें उनकी क्या गलती है, लेकिन निष्पक्षता पे जांच उठाया गया, चूँकि कमीशन की कार्रवाई पूरी कर ली गई थी, हम लोग दोनों लोग तीनों लोगों ने मिलकर सहयोग से पूरा कर लिया था, तो अगर निष्पक्षता पे जांच उठता या उस पर प्रश्न चिन्ह उठता तो परेशानी में होती, तो निष्पक्ष तरीके से ये हुआ कि भाई अगर वो कोई चीज़ ओपन कर रहा है, बाइट दे रहा है तो ठीक है, रिपोर्ट मैं बना दूंगा, 6-7 की रिपोर्ट वो बना देंगे, उसमें कौन सी बड़ी परेशानी की बात है। जो बात अजय मिश्र के लिए कही गई वही बात अजय प्रताप के लिए भी कही गई कि उन्होंने भी उतना अपेक्षित सहयोग नहीं किया। जी, अजय प्रताप आज भी सहयोग कर रहे हैं, अजय मिश्र भी सहयोग कर रहे थे, परसों की रात में हम मेरे संग बैठे हुए थे, पूरी तैयारी हम लोगों ने की है और उम्मीद है कि हम लोग जल्द से जल्द सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग से पूरी तैयारी करके रिपोर्ट माननीय न्यायालय में दाखिल कर देंगे। एक चीज़ जानना चाहता हूँ विशाल जी कि परसों रात आप तीनों लोग साथ बैठे और ये हुआ कि भाई सर्वे रिपोर्ट इतनी जल्दी तैयार नहीं हो पाया, कल की घटना के बाद से आपकी और अजय मिश्र से बातचीत हुई है क्या, या संवादहीनता है? नहीं नहीं, हम लोगों की बातचीत तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ बात आज ज़रूर हो जाएगी। तो सार्वजनिक हो गए कि वो आहत हैं विशाल जी से? आहत नहीं, उनको गलत फहमी हुई है, वो ठीक हो जाएगा। आप दोनों के रिश्तों के बीच में कोई तीसरा एंगल भी आपको लग रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोर्ट कमीशन की कार्रवाई थी और जो कमीशन पूरी हो गई है, बस रिपोर्ट दाखिल करना है, हम लोग जल्द से जल्द उसमें दाखिल कर देंगे। तो जो डेडलाइन है, यानी वो डेडलाइन कल का है,
तो कल तक सर्वे रिपोर्ट पेश हो जाएगी जी, कोशिश किया जा रहा है आज उनके संग बैठ के हम लोग डिस्कस करके जो हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं उसको सही तरीके से सब सिस्टमेटिक वे में करके उसको दाखिल कर दिया जाएगा। अभी जो मैंने आपकी बात से समझा कि दो दिनों का सर्वे अजय मिश्रा अपनी अलग से रिपोर्ट देंगे और विशाल सिंह जो है वो 14, 15, 16 की अपनी रिपोर्ट अलग से देंगे, तो क्या इन दोनों से पहले आज आप सब आपस में भी बैठेंगे क्या? एकदम बैठेंगे, साथ बैठ के हम लोग ये करेंगे। और कुछ तो मीडिया भी गलत गलत बातें कर दे रही है, साथ में हम लोग को लाइव लिया, मैं कुछ कह रहा हूँ उसको कुछ कहा जा रहा है। कब की बात है? अभी की बात है, मैं कुछ कह रहा हूँ उनको कुछ कहा जा रहा है, लाइव लिया नहीं जा रहा है। मैं तो टीवी पे सुन रहा था, वो परेशान हो जा रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, सब स्थिति ठीक है, सामान्य है। और हम लोग को निष्पक्ष और बिना भेदभाव की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए मेरी विनम्र निवेदन है मीडिया से भी कि लोग सहयोग करें और कोई भ्रांति न फैलाएं, कोई अफवाह फैलाएं, जिससे कि जो हम लोग की कमीशन टीम है, जो कोर्ट कमिश्नर की टीम है, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव या कोई परेशानी उत्पन्न हो। जानते हैं कि बहुत जिम्मेदारी का काम आपको दिया गया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जिम्मेदारी का काम है। वो मेरे छोटे भाई वो समझ नहीं पा रहे हैं ये क्या क्या चीज़ें कही जा रही हैं, उनको क्या वहाँ तक पहुँचाई जा रही हैं, तो वो चीज़ों को स्पष्ट करके सब चीज़ें साफ करके हम लोग एक साथ बैठ के रिपोर्ट अपनी दाखिल करने की पूरी कोशिश आज की। आप एक सीनियर लॉयर हैं, अभी जो आप बात करें तो मुझे उससे ये पता चला कि आप कहें उनको कई चीज़ें कही जा रही, तो क्या आपको लगता है वो गुमराह हो रहे हैं अजय मिश्रा? नहीं, गुमराह नहीं हो रहे हैं, उनको दूसरी चीज़ें कही जा रही हैं, यहाँ से मैं कुछ कह रहा हूँ उनको कुछ और कहा जा रहा है। मोटे तौर पे कहूँ मैं आज एक बात कि विशाल सिंह, अजय मिश्र चाहे अजय प्रताप सिंह, तीनों लोग सब एक हैं, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, बिना आग के धुआं है क्या? नहीं, बिना सब एक है, सब बढ़िया है। और अब थोड़ा समय मिल जाए तो हम लोग रिपोर्ट वगैरह अगर बनाने में सहायता मीडिया भी करे तो जल्दी होगा, क्योंकि डेडलाइन है, उसके अंदर दाखिल करना है। और इसी तरह हम लोग बाइट और इंटरव्यू देते रहेंगे तो समय की बर्बादी होगी। पहले जो काम तो इसीलिए उठ गया था, उधर से सवाल उठ गया, इसीलिए हम आ गए। जो कार्य हम लोग को दिया गया है उसको बखूबी निष्पादित करके उसको कंप्लीट करके हम लोग अगर समय सीमा के अंतर्गत अगर रिपोर्ट अपनी कमीशन की रिपोर्ट दाखिल कर देते हैं कोर्ट में तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हमारे साथ थे जो एडवोकेट कमिश्नर हैं विशाल सिंह, उन्होंने साफ कहा कि ये जो बात कही जा रही है कि अजय मिश्र और विशाल सिंह के बीच में मनमुटाव हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ घंटों पहले तक वो लोग आपस में बैठे हुए भी थे, कहे कि संवादहीनता भी नहीं है और सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा। दो दिनों की सर्वे रिपोर्ट अजय मिश्र को देनी है, 14, 15, 16 की रिपोर्ट जो है वो विशाल सिंह जी को देनी है।